नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न पहला, इसका द्वितीय भाग हम करने जा रहे हैं, जिसमें DE BC के समांतर हमें दिया हुआ है, BD AE और EC हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है AD। आइए हम देखें, ये है इसका द्वितीय भाग। देखिए बच्चों, DEBC के समांतर है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार, जैसा कि हमने प्रथम भाग में भी किया है, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। तो देखिए, AD हमें नहीं पता, तो AD की जगह हम लिखेंगे AD बटा DB। DB है 7.2 सेंटीमीटर, बराबर होगा AE जो कि है 1.8 सेंटीमीटर बटा EC जो कि है 5.4 सेंटीमीटर के बराबर। तो आइए हम इसे थोड़ा जूम करके देखते हैं। देखो बच्चों, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AD क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.4 से, AD गुना 5.4 सेंटीमीटर, यह बराबर हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर गुना 1.8 सेंटीमीटर के साथ। अगले स्टेप में AD को यहां अकेला छोड़ देंगे, यह आ गया 7.2 सेंटीमीटर गुना 1.8 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर।